हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो के अंदर हम करेंगे चैप्टर नंबर 13 जिसका नाम है साउंड। 8 क्लास का चैप्टर है साइंस का, एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर्स का सॉल्यूशन। तो इनको सॉल्यूशन करवाने से पहले आप खुद ट्राई करेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चंस आप कर सकते हैं। आप पहले खुद सॉल्यूशन ट्राई करेंगे, उसके बाद यहाँ से देखेंगे। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, चूज़ द करेक्ट आंसर। इसमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है वो आपको चूज़ करना है। 4 ऑप्शंस गिवन है आपको। साउंड कैन ट्रैवल थ्रू, जो साउंड है, जो ध्वनि होती है, वो जो ट्रैवल है, जो चल सकती है, जो उसकी मूवमेंट होगी, जो ट्रांसमिशन होगा, वो किसके थ्रू होगा? गैसेस के थ्रू होगा, लिक्विड्स के थ्रू होगा, सॉलिड्स ओनली, या फिर सॉलिड लिक्विड एंड गैसेस। आपको जैसे कि पता होगा कि जो साउंड है वो ट्रैवल कर सकती है सॉलिड के अंदर से भी, लिक्विड के अंदर से भी और गैस के अंदर से भी। तो हमें एक ऑप्शन इसमें वो नज़र आ रहा है जिसमें तीनों ही है हमारे पास, सॉलिड भी है, लिक्विड भी है और गैस भी है। तो ऑप्शन डी हमारा राइट होगा, साउंड कैन ट्रैवल थ्रू सॉलिड लिक्विड एंड गैसेस। और आपको यहाँ एक्स्ट्रा नॉलेज बता दे रही हूँ मैं कि जो साउंड की जो स्पीड है वो सबसे ज्यादा होती है सॉलिड्स के अंदर, और जो सबसे कम स्पीड है साउंड की वो किसके अंदर होगी? गैसेस के अंदर। और लिक्विड के अंदर मीडियम साउंड की स्पीड होगी सॉलिड और लिक्विड के बीच की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉइसेस इज लाइक टू हैव मिनिमम फ्रीक्वेंसी। 4 ऑप्शन गिवन है। क्वेश्चन किया गया है कि किस वॉइस की फ्रीक्वेंसी सबसे कम होगी, बेबी गर्ल, बेबी बॉय, अ मैन, अ वुमन। तो किसकी होगी, आंसर क्या आएगा इसमें, बेबी बॉय या फिर मैन? मैन और बेबी बॉय में से एक आंसर आएगा हमारे पास, तो आंसर क्या होगा, मैन। मैन की जो फ्रीक्वेंसी होती है वॉइस की, वो क्या होती है, सबसे कम होती है। तो हमें मिनिमम ही बताना था, मिनिमम का मतलब क्या है, कम। फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स पिच। जो फ्रीक्वेंसी होती है साउंड की वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, पिच के, और किसके यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, एम्पलीट्यूड के। तो जो पिच होगी एडल्ट मैन की, जो वॉइस की पिच होगी वो क्या होगी, लोअर होगी, और एम्पलीट्यूड क्या होगा, ज़्यादा होगा। किसके कंपेयर में, बेबी बॉय, बेबी गर्ल और वुमेन के कंपेयर में। इसलिए पिच कम होने की वजह से जो फ्रीक्वेंसी होगी साउंड की मैन की, वो क्या होगी, सबसे कम होगी इन चारों ग्रुप्स के अंदर। तो सबसे कम किसकी होगी, बेबी, इसमें अ मैन की। किसके कंपेयर में, बेबी बॉय, बेबी गर्ल और वुमेन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, इसके अंदर हमें क्या करना है, ट्रू फॉल्स बताने हैं कि इसमें से कौन सा ऑप्शन ट्रू है और कौन सा ऑप्शन फॉल्स है। तो देखिए, फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है हमारे पास, साउंड कांट ट्रैवल इन वैक्यूम। आपको पता है साउंड किन तीन चीज़ों में से ट्रैवल कर सकती है, सॉलिड, लिक्विड और गैसियस मीडियम में से। तो वैक्यूम आपका जो ऐसे जगह होगी जहाँ पे आपका एयर तक नहीं होगी, तो उसको हम क्या बोल देंगे, वैक्यूम। अगर एयर भी नहीं है तो साउंड वहाँ ट्रैवल नहीं कर सकती, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ट्रू। बी ऑप्शन देखिए, द नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकेंड ऑफ वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इट्स टाइम पीरियड। नंबर ऑफ ऑसिलेशंस को हम फ्रिक्वेंसी बोलते हैं, टाइम पीरियड नहीं बोलते हैं। तो बी हो जाएगा हमारा फॉल्स। सी चेक कीजिए, इफ द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन इज लार्ज। अगर एम्पलीट्यूड होगा जो वाइब्रेशन का ज़्यादा होगा तो साउंड फीबल होगी। तो देखिए इसमें क्या है, ये भी होगा आपका फॉल्स, उल्टा हो जाएगा। डी ऑप्शन, फॉर ह्यूमन ईयर्स द ऑडिबल रेंज इज 20 Hz, इसको हम हर्ट्स बोलते हैं, टू 20,000 Hz। जो ह्यूमन ईयर की जो ऑडिबल रेंज होगी साउंड की, वो क्या होगी, कितने फ्रिक्वेंसी में होगी, 20 Hz से 20,000 Hz। ये ट्रू है ऑप्शन। उसके बाद देखिए ई, द लोअर द फ्रिक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन द हायर इज द पिच। जितनी फ्रिक्वेंसी कम होगी उतनी ही पिच क्या होगी, कम होगी या ज़्यादा होगी, कम होगी। फ्रीक्वेंसी किसके ऊपर डिपेंड करती है, पिच के ऊपर। फ्रीक्वेंसी कम तो क्या होगी, पिच भी कम होगी। अगर पिच कम है तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, कम होगी। लेकिन इसमें जो रिलेशन है वो कैसा दिया गया है, उल्टा दिया गया है। फ्रीक्वेंसी को कम बोला गया है, पिच को ज़्यादा बोला गया है, इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, फॉल्स। नेक्स्ट आपका एफ, अनवांटेड और अनप्लेजेंट साउंड इज टर्म्ड एज म्यूजिक। अनवांटेड साउंड को, ऐसे साउंड जो हमें अच्छी ना लगे, तो उसको हम म्यूजिक नहीं बोलते हैं, उसको हम नॉइस बोलते हैं। तो नॉइस ना होने की वजह से ये ऑप्शन भी हो जाएगा हमारा फॉल्स। नेक्स्ट आपका लास्ट है, थर्ड क्वेश्चन का जी पार्ट, नॉइस पोल्यूशन मे कॉज पार्शियल हियरिंग इम्पेयरमेंट। हियरिंग होता है जो सुनने की हमारी जो क्षमता होती है वो कम हो जाएगी। अगर नॉइस पोल्यूशन वाले एरिया के अंदर हम रहेंगे तो जो हमारी सुनने की क्षमता है वो क्या हो जाएगी, अफेक्ट होगी। तो ये आंसर क्या होगा हमारा इसमें, ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फिलिप्स,
फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल वर्ड्स, यहाँ पे हमें वर्ड्स यूज करके इस फिलअप्स को कंप्लीट करना है। तो ए देखिए क्या है, टाइम टेकन बाय एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट वन ओसिलेशन इज कॉल्ड डैश। टाइम अगर लगेगा किसी ऑब्जेक्ट को एक ओसिलेशन को कंप्लीट करने में तो उसको हम क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड। बी पार्ट, लाउडनेस इज डिटरमाइंड बाय डैश ऑफ द वाइब्रेशन। लाउडनेस को अगर हमें पता लगाना है तो उसके लिए क्या चेक करना पड़ेगा, हमें एम्पलीट्यूड चेक करना पड़ेगा साउंड की, वाइब्रेशन का। सी पार्ट, द यूनिट ऑफ फ्रिक्वेंसी, ऊपर हमने बात की थी एच जेड जिसको हम बोलते हैं हर्ट्ज। डी, अनवॉन्टेड साउंड इज कॉल्ड, क्या बोलेंगे अनवॉन्टेड साउंड को, म्यूजिक या नॉइस, नॉइस। ई, श्रिलनेस ऑफ साउंड इज डिटरमाइंड बाय द डैश ऑफ द वाइब्रेशन। श्रिलनेस को अगर हमें पता लगाना है साउंड की तो उसको मापने के लिए हम किसका यूज करेंगे, फ्रिक्वेंसी का। तो फ्रिक्वेंसी किससे रिलेटेड है, श्रिलनेस से। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये न्यूमेरिकल है आपका क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। अ पेंडुलम ऑसिलेट 40 टाइम्स इन 4 सेकेंड, फाइंड इट्स टाइम पीरियड एंड फ्रिक्वेंसी। पेंडुलम क्या है, जैसे कि आपके वॉल क्लॉक होते हैं उसके नीचे जो आपका मूवमेंट करता है उसको हम क्या बोलते हैं, पेंडुलम बोलते हैं। अब देखो जो पेंडुलम है वो क्या करता है, ओसिलेट करता है 40 टाइम्स 4 सेकेंड के अंदर, मतलब 4 सेकेंड के अंदर वो क्या करेगा, एक जगह से जाएगा वापस फिर वहीं आ जाएगा। तो पेंडुलम की जो ओसिलेशन है वो 40 टाइम्स है 4 सेकेंड के अंदर। तो आपको बताना कितना टाइम पीरियड होगा पेंडुलम का और कितनी उसकी फ्रिक्वेंसी होगी। तो फ्रिक्वेंसी और जो टाइम पीरियड है कैसे निकाल लेंगे हम, आप देखिए फ्रीक्वेंसी किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस बाय टाइम पीरियड। अगर आपको टाइम पीरियड निकालना है तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इस फॉर्मूले को रीअरेंज कर सकते हैं। तो देखिए टाइम पीरियड निकालना है तो क्या आएगा आपका, तो इसको आप क्या कर देंगे, नीचे आ जाएगी आपकी फ्रीक्वेंसी और ऊपर आ जाएगा आपका टाइम टेकन। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट के अंदर टाइम पीरियड इज इक्वल टू टाइम टेकन बाय नंबर ऑफ ऑसिलेशन, कितना टाइम लग रहा है यहाँ पे 4 सेकंड, और ऑसिलेशंस कितनी हुई है 4 सेकंड के अंदर, 40 टाइम्स हुई है। तो टाइम पीरियड क्या आ जाएगा आपका, 4 और 40 को आप डिवाइड करेंगे तो 1/10 आ जाएगा, और 1/10 को सोल्व करेंगे तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, 0.1। और टाइम पीरियड की यूनिट क्या होती है, सेकेंड्स। तो इसका आंसर क्या आएगा, 0.1 सेकेंड। दूसरे पार्ट में हमें निकालनी है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी किसके इक्वल होती है, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस बाय टाइम। नंबर ऑफ ऑसिलेशंस कितने हैं, 40 हैं, और टाइम कितना है, 4 है। तो कैंसिल करेंगे तो कितनी आ जाएगी हमारे पास फ्रीक्वेंसी, 10 हर्ट्ज। इसका मतलब क्या है कि एक सेकंड में जो पेंडुलम ऑसिलेट कर रहा है वो कितने बार ऑसिलेट कर रहा है, 10 टाइम्स, और 2 सेकंड में 20, और 3 सेकंड में 30, और 4 सेकंड में कितना ऑसिलेशन है यहाँ पे, 40 टाइम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, देखिए क्या है क्वेश्चन के अंदर। द साउंड फ्रॉम ए मॉस्किटो इज प्रोड्यूस्ड व्हेन इट वाइब्रेट्स इट्स विंग्स एट एन एवरेज रेट ऑफ 500 वाइब्रेशंस पर सेकेंड, व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ द वाइब्रेशन। हमें क्या निकालना है, टाइम पीरियड निकालना है। जैसे कि हमने पीछे भी फॉर्मूला यूज किया था, टाइम पीरियड किसके इक्वल होगा, टाइम टेकन बाय नंबर ऑफ ऑसिलेशन। तो टाइम टेकन कितना है यहाँ पे, 1 सेकेंड, और कितनी वाइब्रेशन हुई है एक सेकेंड के अंदर, 500 वाइब्रेशन, ये गिवन है ना हमें, 500 वाइब्रेशन पर सेकेंड। तो टाइम कितना है, 1 सेकेंड है, और नंबर ऑफ वाइब्रेशन जिसको हम नंबर ऑफ ऑसिलेशंस बोलते हैं वो कितना है, 500 है। तो इसको हम सोल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास आंसर, 0.002 सेकेंड। मैथमेटिकल सॉल्यूशन करना है हमें, 500 और 1 को हमें डिवाइड करना है, 1 को अंदर रखा जाएगा और 500 को बाहर रख के हम क्या करेंगे, इस तरह से इसका सॉल्यूशन करेंगे। 500 को बाहर रखा जाएगा, 1 को अंदर रखा जाएगा, तो यहाँ पे क्या चलेगा, 500 1 पे कैंसिल नहीं करेगा तो 0, फिर उसके बाद 0 लगा लेंगे हम डेसिमल, फिर भी ये नहीं चलेगा इस पर, तो फिर से 0, फिर उसके बाद 0, तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 2। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, मैथमेटिकल सॉल्यूशन करेंगे इसका। तो करके देख लेंगे आप इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, आइडेंटिफाई द पार्ट विच वाइब्रेट्स टू प्रोड्यूस साउंड इन द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट। इन इंस्ट्रूमेंट के अंदर जो साउंड प्रोड्यूस होती है तो इसमें कौन सा पार्ट वाइब्रेट होगा जो साउंड प्रोड्यूस करेगा। सबसे पहले है ढोलक। ढोलक के अंदर क्या होगा, देखा होगा आपने ढोलक, तो जो उसकी मेम्ब्रेन होती है वो कैसी होती है, स्ट्रेच मेम्ब्रेन होती है, और स्ट्रेच मेम्ब्रेन क्या करेगी, वाइब्रेट करेगी, और जिससे क्या प्रोड्यूस होगी, साउंड। उसके बाद है सितार। सितार के अंदर क्या होगा, स्ट्रेच स्ट्रिंग्स होती हैं उसकी, जो तारे होती हैं उसकी, वो क्या करेंगी, वाइब्रेट करेंगी और क्या प्रोड्यूस करेंगी, साउंड प्रोड्यूस करेंगी। फ्लूट, फ्लूट क्या होती है, बांसुरी। बांसुरी के अंदर एक विंड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है,
उसमें क्या होगा, जो एयर कॉलम होगा, जो हम बांसुरी के अंदर जो बीच में जो खाली जगह होती है जहाँ पे एयर हम फिल करते हैं जब उसको यूज़ करते हैं, तो जो एयर कॉलम होगा वो क्या करेगा, साउंड प्रोड्यूस करेगा, वाइब्रेट करेगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन नॉइस एंड म्यूजिक। नॉइस और म्यूजिक में क्या डिफरेंस है? कैन म्यूजिक बिकम नॉइस समटाइम? क्या म्यूजिक नॉइस बन सकती है? बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए क्या है, म्यूजिक क्या है, जब साउंड हमें अच्छी लगती है, हमें अच्छी फीलिंग आती है, प्लीजिंग सेंसेशन होती है, तब म्यूजिक बोलते हैं हम साउंड को। लेकिन जब साउंड हमें अनवांटेड लगती है, अनप्लीजेंट लगती है, हमारे सिर के अंदर दर्द करती है, तो उस टाइम पे उस साउंड को हम क्या बोल देते हैं, उसको हम बोल देते हैं नॉइस। तो इसमें देखिए आगे क्या लिखा जाएगा, म्यूजिक इज़ प्रोड्यूस्ड बाय नेचर। म्यूजिक को कौन प्रोड्यूस करेगा, नेचर करेगा या फिर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, जो कि ऊपर हमने एग्जाम्पल देखे थे ना म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के, ढोलक, सितार, फ्लूट। नॉइस को कौन प्रोड्यूस करता है, हॉर्न्स ऑफ द व्हीकल्स, जो व्हीकल्स के हॉर्न्स होते हैं और जो मशीन्स होती हैं वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, वो प्रोड्यूस करते हैं नॉइस। तो नेक्स्ट इन्होंने जो सेकंड पार्ट किया था क्वेश्चन का, कि क्या म्यूजिक को नॉइस में बदला जा सकता है, यस यू कैन चेंज म्यूजिक इन टू नॉइस। कब कर सकते हो, अगर आप वॉल्यूम बहुत ज़्यादा कर देते हैं म्यूजिक की, तो उस टाइम पर वो हमें किस तरह से फील होना शुरू हो जाता है, एज अ नॉइस। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 9, लीस्ट सोर्सेज ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन इन योर सराउंडिंग। आपके सराउंडिंग में जो नॉइज़ पोल्यूशन के सोर्सेज हैं वो क्या क्या हैं? तो देखिए मेजर सोर्स है नॉइज़ पोल्यूशन की, वो क्या है, साउंड्स ऑफ द व्हीकल, जो हॉर्न्स होते हैं व्हीकल के, जो आवाज़ है व्हीकल्स की, वो क्या है, सबसे बड़ा नॉइज़ पोल्यूशन का कारण है। इसके अलावा एक्सप्लोजन्स इंक्लूडिंग ब्रस्टिंग ऑफ क्रैकर्स, जब हम दिवाली वगैरह के टाइम पे पटाखे, फुलझड़ियाँ, बम वगैरह जो हम क्रैकर्स को यूज़ करते हैं, एक्सप्लोज करते हैं, तो वो भी क्या है, एक नॉइज़ पोल्यूशन का एक क्या है, सोर्स है। दूसरा हमारे यहाँ पे है मशीन्स, जब मशीन्स चलती है फैक्ट्री वगैरह के अंदर, तो वो भी क्या प्रोड्यूस करती हैं, साउंड प्रोड्यूस करती हैं। लाउड स्पीकर्स, ये सारे क्या हैं, सोर्सेज ऑफ नॉइस पोल्यूशन। और हमारे घर पे भी नॉइज़ पोल्यूशन के बहुत सारे सोर्सेज हैं, जैसे कि टेलीविज़न अगर हम हाई वॉल्यूम के अंदर यूज़ करते हैं, रेडियो, ट्रांजिस्टर, कुछ एक हमारे किचन के अप्लायंसेस जैसे कि मिक्सी वगैरह हम यूज़ करते हैं, तो उससे भी क्या होती है, साउंड प्रोडक्शन ज़्यादा होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, नॉइज़ बोलते हैं। कूलर की साउंड, डेजर्ट कूलर्स, एयर कंडीशनर्स, ये सारे क्या हैं, ऑल कंट्रीब्यूट टू द नॉइज़ पोल्यूशन इन आवर हाउसेज, हमारे घरों के अंदर ये क्या करते हैं, नॉइज़ पोल्यूशन का एक सोर्स क्रिएट करते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, एक्सप्लेन इन वट वे नॉइज़ पोल्यूशन इज़ हार्मफुल टू ह्यूमंस। हमारे लिए जो नॉइज़ पोल्यूशन है वो किस तरीके से नुकसानदायक है। तो सबसे पहले देखिए क्या है, क्या हो सकता है नॉइज़ पोल्यूशन की वजह से, लैक ऑफ स्लीप, हमें नींद कम आनी शुरू हो जाएगी, हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन का मतलब है कि हमारा बीपी बढ़ जाएगा, जिसको हम बोलते हैं हाई ब्लड प्रेशर, एनेक्सिटी, एनेक्सिटी क्या होती है, बेचैनी होनी शुरू हो जाएगी, एंड मैनी मोर हेल्थ रिलेटेड डिसऑर्डर, और बहुत सारे हेल्थ से रिलेटेड डिसऑर्डर हो सकते हैं, किसकी वजह से, नॉइस पोल्यूशन की वजह से। अ पर्सन हु इज़ एक्सपोज टू अ लाउड साउंड कॉन्टिन्यूसली मे गेट टेम्परेरी और इवन परमानेंट इम्पेयरमेंट ऑफ हियरिंग। अगर एक कोई भी पर्सन है, अगर वो किसके अंदर एक्सपोज है, मतलब किसके सराउंडिंग में है, वो नॉइस पोल्यूशन के सराउंडिंग में है लगातार, तो उसको क्या हो सकता है, जो सुनने की उसकी पावर है वो कम भी हो सकती है, और कई बार क्या हो सकती है, बिल्कुल सुनने की पावर उसकी खत्म भी हो सकती है। तो ये टेम्परेरी भी हो सकता है और परमानेंट भी हो सकता है, हियरिंग इंपेयरमेंट, सुनने से संबंधित जो बीमारी है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, योर पेरेंट्स आर गोइंग टू बाय ए हाउस। आपके जो पेरेंट्स हैं वो एक घर खरीदना चाह रहे हैं। दे हैव बीन ऑफर्ड वन ऑन द रोड साइड एंड अदर 3 लेंथ्स अवे फ्रॉम द रोड साइड। तो जो उन्होंने घर देखे हैं, दो घर हैं, एक घर तो वही है जो बिल्कुल रोड साइड पे है, मतलब बिल्कुल रोड के लगते हैं, और जो दूसरा है वो 3 गली छोड़ के थोड़ा आगे है, तो रोड साइड में नहीं है, वो रोड साइड से थोड़ा अंदर जाके है। विच हाउस वुड यू सजेस्ट योर पेरेंट्स शुड बाय? तो आप, अगर आपसे सजेशन मांगा जाए तो आप क्या सजेस्ट करेंगे, कि आपको रोड साइड हाउस बाय करना चाहिए या फिर थोड़ा दूर रोड से? तो एक्सप्लेन योर आंसर, और आपको आंसर एक्सप्लेन करना है कि ऐसा जो आप एडवाइस दोगे तो ऐसा क्यों बोल रहे हो आप। तो देखिए,
क्लोजर टू रोड साइड लार्ज नॉइस पोल्यूशन, जितना आपका घर रोड साइड पे होगा उतना, जितना क्लोज होगा उतना ही नॉइस पोल्यूशन क्या होगा, ज़्यादा होगा क्योंकि व्हीकल्स वगैरह ज़्यादा जाएंगे वहाँ से. सो आई वुड सजेस्ट अ हाउस विच इज देयर 3 लेन्स अवे रोड साइड बिकॉज द पोल्यूशन लेवल इज समवट लेस देयर. तो हम क्या सजेशन करेंगे कि जो घर खरीदना है वो क्या होगा, थोड़ा सा रोड से अंदर जाके हो. क्यों हो? दो फैक्टर्स है वहाँ पे, एक तो आवाज़ कम आएगी मतलब नॉइस पोल्यूशन कम होगा, और दूसरा एयर पोल्यूशन भी कम होगा अंदर जो थोड़ा हाउस लेंगे हम रोड साइड से. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 12 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लैरिंग्स क्या है, इसका डायग्राम आपको ड्रॉ करना है और इसकी जो फंक्शनिंग है वो आपको क्या करनी है, एक्सप्लेन करनी है. तो देखिए क्या है क्वेश्चन, जो आपको यहाँ पे सामने स्क्रीन पे जो डायग्राम नजर आ रहा है, इस डायग्राम को हम बोलते हैं लैरिंग्स. ये वाला हिस्सा है ये हमारा, इसको हम वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं. और जो वॉइस बॉक्स का साइज है बॉयज के अंदर थोड़ा बड़ा होता है और गर्ल्स के अंदर इसका साइज थोड़ा छोटा होता है. तो वॉइस बॉक्स के अंदर क्या होगा, दो वोकल कॉर्ड्स होती है, देख पा रहे हैं ये वाला और ये वाला, ये क्या है, दो वोकल कॉर्ड्स है. और वोकल कॉर्ड्स के बीच में एक खाली जगह होती है जिसको हम बोलते हैं नैरो स्लिट. क्या बोलते हैं? नैरो स्लिट. और जब एयर यहाँ से पास होगी, जब लंग्स उसको फोर्स करेंगे बाहर की तरफ, तो वोकल कॉर्ड्स क्या होंगी, वाइब्रेट होंगी. और वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट होने की वजह से क्या प्रोड्यूस होगी, साउंड प्रोड्यूस होगी. तो हमारे अंदर जो साउंड का प्रोडक्शन होता है वो किसकी वजह से होता है, वोकल कॉर्ड्स की वजह से. जो लैरिंग्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं 2 वोकल कॉर्ड्स, जिसकी वजह से क्या होगा, साउंड का प्रोडक्शन. तो देखिए क्या लिखा हुआ है, इन ह्यूमंस द साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय द वॉइस बॉक्स और लैरिंग्स. जो ह्यूमंस के अंदर साउंड प्रोड्यूस होती है वो किसके थ्रू होती है साउंड प्रोड्यूस, वॉइस बॉक्स. इसी को ही हम लैरिंग्स भी बोलते हैं और वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं. लैरिंग्स के अंदर क्या होता है, दो वोकल कॉर्ड्स होती हैं, आर स्ट्रेच अक्रॉस द वॉइस बॉक्स और लैरिंग्स इन सच अ वे डेट इट लीव्स अ नैरो स्लिट बिटवीन दैम फॉर द पैसेज ऑफ द एयर. ये इस तरह से स्ट्रेच होती है हमारी, क्या जो वोकल कॉर्ड्स हैं वो इस तरह से स्ट्रेच होंगी कि बीच में क्या इसके बचता है, थोड़ा सा जगह बचती है, नैरो रास्ता बचेगा, और जिसमें से क्या पास हो सकती है हमारी एयर, जिसको कौन फोर्स आउट करेगा बाहर, हमारे लंग्स. When the lungs force air through the slit, the vocal cords vibrate. जब हमारे lungs हवा फेंकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड फेंकते हैं जिसको बॉडी से बाहर रिमूव होना है, तो उस टाइम पे क्या होगा, हमारा जो वोकल कॉर्ड्स है वो क्या होंगे, वाइब्रेट होंगे. और जब भी वाइब्रेशन होता है तो उससे क्या प्रोडक्शन होती है, साउंड की प्रोडक्शन. मसल अटैच टू द वोकल कॉर्ड कैन मेक द कॉर्ड्स टाइट और लूज. जो मसल्स कंट्रोल करती हैं वोकल कॉर्ड को कब स्ट्रेच करना है, कब इनको लूज करना है. When the vocal cords are tight and thin, the type or quality of the voice is different from that when they are loose or thick. Vocal cords क्या है, vocal cord कब tight होंगी कब loose होंगी, उससे जो हमारी voice की quality है वो क्या होती जाएगी, change होती जाएगी. तो आपको ये diagram draw करना है यहाँ पे और इसके बारे में क्या करना है, explanation करना है. नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 13, लाइटिंग एंड थंडर टेक्स प्लेस इन द स्काई एट द सेम टाइम एंड द सेम डिस्टेंस फ्रॉम अस. लाइटनिंग इज सीन अर्लियर एंड थंडर इज हियर्ड लेटर, कैन यू एक्सप्लेन. इस क्वेश्चन के अंदर क्या बोला गया है, जो आसमान से जो चमक आती है, जो आसमान की बिजली है और जो हमें आवाज़ सुनाई देती है, वो क्या है, एक ही टाइम पे प्रोड्यूस होती है, लेकिन हमें क्या होती है, लाइटनिंग पहले नज़र आती है और साउंड बाद में सुनाई देती है. तो इसका क्या रीज़न है, इसमें क्या रीज़न है, जो साउंड की स्पीड है और जो लाइट की स्पीड है वो अलग अलग होती है. लाइट की स्पीड ज़्यादा है, साउंड की स्पीड कम है. लाइट की स्पीड ज़्यादा होने की वजह से वो जल्दी हमें दिखाई देती है और साउंड की स्पीड कम होने की वजह से वो हमें थोड़ा लेट सुनाई देती है. तो यहाँ पे देखिए कितनी स्पीड है साउंड की, 330 मीटर पर सेकंड, मतलब एक सेकंड के अंदर साउंड कितनी डिस्टेंस कवर करती है, 330 मीटर. ठीक है, साउंड की स्पीड है ये. शॉर्ट क्वेश्चन भी बनता है आपका यहाँ से, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द साउंड, 330 मीटर पर सेकेंड. एंड द स्पीड ऑफ द लाइट इज 300,000 किलोमीटर पर सेकेंड. जो हमारी लाइट है उसकी स्पीड क्या है, 300,000 किलोमीटर पर सेकेंड. लाइट ट्रेवल्स मच फास्टर देन साउंड. जो लाइट ट्रेवल करती है उसकी जो स्पीड है लाइट की वो क्या है, बहुत ही ज़्यादा फास्ट है. किसके कंपेयर में, साउंड के कंपेयर में. डेट्स वाई लाइटनिंग सीन अर्लियर, इसकी वजह से हम बोल सकते हैं कि जो लाइटनिंग है वो हमें जल्दी से दिखाई देगी एंड थंडर इज हियर्ड लेटर, और जो थंडर है वो हमें बाद में सुनाई देगा. कंप्लीट हुआ हमारा ये चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स.